गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शिवानी। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने डार्क सर्कल्स को परमानेंट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। यस, कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप अपने डार्क सर्कल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। काफी हद तक 100% इफेक्टिव है ये रेमेडीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। सबसे पहले देखते हैं कि ये डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं, इनके रीजंस क्या क्या हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो आता है एज। यस, अगर आपकी एज डे बाय डे बढ़ रही है तो भी आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एज भी एक बहुत ही मेन फैक्टर होता है डार्क सर्कल्स को बढ़ने का। उसके बाद है एलर्जीज। यस, अगर आपको एलर्जीज है किसी तरीके की फेस पे तो भी आपके डार्क सर्कल जो है वो काफ़ी इरिटेट और विजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आई एरिया बहुत ही थिन एरिया होता है। डार्क सर्कल्स आपके विजिबल हो सकते हैं एलर्जी की वजह से भी। डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी की कमी है तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ये डार्क सर्कल्स होने का, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होगी। ड्राई होगी तो आपके जो आई एरिया होता है बहुत ही ब्लैक दिखेगा। ओवर सन एक्सपोजर, अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हैं, अगर आप धूप में बाहर ज़्यादा निकलते हैं दोपहर में, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवर सन एक्सपोजर भी आपकी आंखों का जो एरिया होता है वो बर्न कर सकता है और उसको डार्क कर सकता है। जेनेटिक्स, अगर आपके मदर या फादर में से किसी को डार्क सर्कल्स है तो जाहिर है कि आपको भी आ सकता है। तो यस, कभी कभी डार्क सर्कल्स जो है वो जेनेटिक भी होते हैं। एनीमिया, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यस, अगर आपको बॉडी में वीकनेस है या किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन की कमी है तो आपकी आंखों पर झलकता है, एनीमिया भी रीज़न हो सकता है इसका। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसको यूज़ करके आप डे बाय डे अपने डार्क सर्कल को रिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी हद तक। यस, एक होम रेमेडी है ये और बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो आपको 2 ग्रीन टी बैग लेने हैं, उसके बाद उसको बॉयल पानी में 5 मिनट तक डाल देना है। उसके बाद टी बैग को रेफ्रिजरेटर में डाल देना है उसको 10 मिनट ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद उसको निकाल देना है। निकालने के बाद उसको अच्छे से अपने आई एरिया पे अप्लाई करना है डैब करके। दस से 20 मिनट रख के अपनी आई एरिया पे और उसको वॉश कर देना है आपको अच्छे से ठंडे पानी की हेल्प से। आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, इवन नींद आने लग जाएगी जैसे ही टी बैग हटेगा वहाँ से, क्योंकि आईज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस चीज़ से। ट्राई करके ज़रूर देखना। इस प्रोसेस को आपको दिन में एक बार करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हों टी बैग लेके अपनी आँख पर रख के उसे हटा दीजिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये स्किन के अंदर होने वाले लिक्विड बिल्डअप को भी रिड्यूस करता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है ग्रीन टी आँखों के लिए। एक बहुत ही अच्छा सूद और काम इफेक्ट देता है जिससे कि आपकी जो आई एरिया है वो रिलैक्स फील करती है, और अगर रिलैक्स फील करेगी तो जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप इसको दिन में या रात में एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिए जब भी आपके पास टाइम हो। पूरे दिन में एक बार आपको अप्लाई करना है, या तो आप रात को अप्लाई कीजिए या दिन में अप्लाई कीजिए, आपको खुद ही असर दिखने लग जाएगा इस रेमेडी का। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्लीप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि आँखें अगर रेस्ट करेंगी तो डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा आपकी आँखों से। डू योर बेस्ट टू ड्रिंक मोर वाटर, कीप योर बॉडी हाइड्रेट, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, जो भी आप फ्लूड्स लेते हैं, फ्लूड्स टेक करते हैं दिन में, तो वो सारी ही फ्लूड्स जो है वो आपकी बॉडी में हाइड्रेट रखेंगे आपकी बॉडी को, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा आपकी आंखों के लिए भी और आपकी अपनी बॉडी के लिए भी। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके डार्क सर्कल नेचुरली कम होंगे। तो यस, ये तो थी कुछ होम रेमेडीज और कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप अपने डार्क सर्कल्स को नेचुरली रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू आप परमानेंट अपने डार्क सर्कल जो है वो हटा सकते हैं, ये परमानेंट ऑप्शंस हैं। बट ये है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एक तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं स्किन पे। यस, डार्क जो आई एरिया होते हैं बहुत सेंसिटिव एरिया होती है, तो अगर आप यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ी ना ही करें केमिकल से या कुछ भी ऐसे, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने डार्क सर्कल्स को घर में ही कम करिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और ये 100% नेचुरल और सेफ रेमेडीज हैं। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।